ओडिशा के ऐतिहासिक जगन्नाथपुरी में 46 साल बाद रत्न भंडार खोला गया और इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था भी दिखी। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। पुरी का जगन्नाथ मंदिर आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है। 12वीं शताब्दी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। पिछले 46 सालों से मंदिर का रत्न भंडार नहीं खुला था, जिसे अब खोला गया है। कहा जाता है कि इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए हैं। ऐसी मान्यता है कि कई राजाओं और भक्तों ने भगवान को आभूषण चढ़ाए थे। उन सभी को रत्न भंडार में रखा जाता है। रत्न भंडार में मौजूद जेवरात की कीमत बेशकीमती बताई जाती है। अधिकारियों ने बताया कि आभूषणों, मूल्यवान वस्तुओं की सूची बनाने और भंडार गृह की मरम्मत करने के लिए रत्न भंडार को खोला गया है। खजाना खोलने से पहले प्रशासन ने लकड़ी के 6 भारी संदूक मंगाए। एक संदूक उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगना पड़ा। इन्हें रत्न भंडार गृह में भेजा गया। रत्न भंडार को खोलते समय 11 लोग मौजूद थे, जिसमें उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक भी शामिल थे। इस दौरान मंदिर के बाहर हाई लेवल की सिक्योरिटी भी थी। मंदिर प्रबंधन समिति ने बताया कि इससे पहले रत्न भंडार साल 1905, 1926 और 1978 में खोला गया था और बेशकीमती चीजों की लिस्ट बनाई गई थी। साल 1978 के बाद से मंदिर के पास कितनी संपत्ति आई है, इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रत्न भंडार का भी मुद्दा उठा था। बीजेपी ने वादा किया था कि ओडिशा में सरकार बनती है तो खजाना खोला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।